घुमा दीजिए। ट्रेड यूनियन की परिभाषा को देखे थे, आज हम लोग भारत में ट्रेड यूनियन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखेंगे, भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट का उद्भव एवं विकास को देखेंगे। इस चीज़ को देखने से पहले, ट्रेड यूनियन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखने से पहले, हम एक चीज़ की चर्चा और करना चाहेंगे। एक तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जिसकी हमने कल आपके साथ डिटेल में चर्चा की थी, तो ये तो आपका क्लियर हो चुका होगा कि ट्रेड यूनियन किसे कहते हैं, ट्रेड यूनियन से हमारा क्या लेना देना है, ट्रेड यूनियन क्या होता है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इस को लगभग लगभग उसके हर एक पहलू को हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उसकी परिभाषा के प्रत्येक तत्व को हमने आपके साथ डिस्कस किया था। एक दूसरा वर्ड उभर के सामने आता है, दैट इज कॉल्ड लेबर मूवमेंट। एक ट्रेड यूनियन, जिसकी हमने लास्ट क्लास में आपके साथ चर्चा की थी, और दूसरा लेबर मूवमेंट, अर्थात श्रम से जुड़ा हुआ कोई भी आंदोलन। लेबर मूवमेंट और ट्रेड यूनियन दोनों में डिफरेंस, बस स्लाइट डिफरेंस है कि जब कभी भी ट्रेड यूनियन की हम चर्चा करेंगे तो वो श्रमिकों के हित में, श्रमिकों के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन होता है, जबकि लेबर मूवमेंट जो है वो लेबर मूवमेंट किसी भी व्यक्ति के द्वारा श्रमिकों के हित में चलाया जा सकता है, उनका डायरेक्ट श्रमिकों से जुड़ाव नहीं होता है। और एक बेसिक जो दोनों के बीच डिफरेंस है लेबर मूवमेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, वो यह है कि ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइज्ड संगठन होता है जो सदस्यता शुल्क और एक वेल एस्टेब्लिश्ड अप्रोच के साथ, वेल एस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्ट के साथ वो काम करता है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू बेनिफिट ऑफ लेबर, बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स। जैसे जब कभी भी हम बात करेंगे तो ट्रेड यूनियन के जो भी सदस्य होंगे वो या तो मजदूरों की वेज या उनके कार्यदशा या इसी से जुड़े हुए किसी न किसी पहलू को। ये आवाज़ इसका कम क्या नहीं हो रहा, इसका आवाज़ थोड़ा कम कर दीजिए, तो ये आवाज़ इरिटेट कर रहा है। तो श्रम संघ की जब भी हम चर्चा करेंगे तो वो श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से, श्रमिकों के वेज, वर्क कंडीशन, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करेगा, जबकि लेबर मूवमेंट जो है वो श्रमिकों को एकजुट करने के लिए बड़ा इरिटेट कर रहा है ये आवाज़। तो आज हम लोग देखेंगे भारत में जो श्रम संघ का उद्भव हुआ वो किस प्रकार से हुआ और उसकी क्या पृष्ठभूमि रही। अगर हम देखें तो भारत में पहले से भी श्रेणी व्यवस्था लागू थी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में आपने देखा होगा बुनकरों की श्रेणी, कुंभकारों की श्रेणी, तैलिकों की श्रेणी, इस तरह की व्यवस्था चल रही थी। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, जैसे ही हम ट्रेड यूनियन की बात करेंगे, देन इट इज प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मॉडर्नाइज्ड इंडस्ट्री का ये प्रोडक्ट है। तो यह तभी उद्भव हो सकता है, यह संगठन तभी अस्तित्व में आ सकता है जब आधुनिक उद्योग के स्थापना की, आधुनिक उद्योग से ले जाकर इसको हम जोड़ेंगे, आधुनिक उद्योग के स्थापना की बात करेंगे, तभी से हम लेबर मूव ट्रेड यूनियन मूवमेंट को भारत में देखेंगे। तो भारत में देखेंगे कि औपनिवेशिक पृष्ठभूमि में ही भारत में कारखानों की स्थापना होती है, औपनिवेशिक पृष्ठभूमि में ही भारत में श्रमिकों को संगठित करने की कोशिश की जाती है, श्रमिकों के एक वर्ग की उदय जो होती है, एक क्लास के रूप में श्रमिकों की जो उदय होती है वह आधुनिक उद्योग की स्थापना के बाद से ही शुरू होती है। और खासकर देखेंगे तो 1850 के बाद से, जैसे जैसे रेलवे का 1856-57 में रेलवे का विस्तार होता है, मुंबई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना होती है, बंगाल का जो क्षेत्र है वहां पर जूट मिल की स्थापना होती है,
और वहां पर जैसे ही पूंजीपति वर्ग सक्रिय होते हैं, जैसे ही वो काम करना शुरू करते हैं, उसी तरह श्रमिकों का भी उदय होता है। श्रमिक एक क्लास के रूप में वहां पर आते हैं और फिर क्लास स्ट्रगल, क्लास के बीच संघर्ष, इन सब चीजों की धीरे 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 शुरुआत हो जाती है। तो प्रारंभिक समय में अगर हम बात करें तो श्रम, भारत का जो श्रम मूवमेंट है या ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, उसको हम कुछ पार्ट में बांट करके देखेंगे। एक तो कि कब इसकी शुरुआत हुई, और देखिए बहुत सारा आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस को आप याद रखें, लेकिन उस समय की प्रवृत्ति को जरूर कम से कम ध्यान में रखें। फैक्ट आपकी प्रवृत्ति को प्रूफ करने के लिए होगा, लेकिन अगर आप उस समय के ट्रेंड्स को देख लेंगे, ट्रेंड्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। फैक्ट्स अगर नहीं भी याद रहेंगे, आपको ट्रेंड्स केवल याद रहेगा, तो भी आपका काम चल सकता है। आज चुट किए हैं वो कहाँ गए? अच्छा यही है, कोई बात नहीं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले भारत में ट्रेड यूनियन की, ट्रेड यूनियन मूवमेंट की जो को अगर हम बांट के देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट फेज। सेकेंड इसकी जो शुरुआत होती है वर्ल्ड वार से लेकर के 1926 तक, फिर 1927 से लेकर के 1934 तक, और फिर 1935 से 1938 तक का पीरियड, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के का पीरियड जो 1939 से शुरू होकर के 1945 तक जाता है, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लोग इसको एक दो और फेज में बांट करके, एक दो फेज और बांट के इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1875 से 1914 तक का जो पीरियड था, और 1875 से 1914 तक के भी पीरियड को अगर दो फेज में बांट दें, 1875 से लेकर के और अगर 1900 के पीरियड को एक फेज में रखें और 1900 से लेकर के 1914 तक के पीरियड को दूसरे फेज में रखें, तो इस समय जो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, इस समय जितने भी परोपकारी लोग थे, जो भी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोग थे, वो श्रमिकों के इंटरेस्ट में, श्रमिकों के परोपकार में, श्रमिकों के लिए मांग उठाने के लिए आगे आ रहे थे। ये वही दौर है जिस दौर में आप देखेंगे कि समाज सुधार आंदोलन, जातीय आंदोलन, जातीय सुधार आंदोलन, जातीय पुनरुद्धार आंदोलन, भारत में, भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो में देखेंगे तो ये सब चीज चल रहा था। तो श्रम संघ आंदोलन को भी हम उसी सिनेरियो से जोड़ते हुए देखेंगे, क्योंकि हम केवल इसको श्रमिकों के हित तक नहीं रख सकते हैं। उस समय जो समाज में चल रहा था, उस समय जो भारतीय नेशनल मूवमेंट का क्या पृष्ठभूमि था, उसको भी देखते चल रहा हो। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अमलगमेटेड थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और एक दूसरे के साथ परस्पर गुम्फित होकर के ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी नेशनल मूवमेंट का एक हिस्सा बन के चल रहा था। तो प्रारंभिक दौर में अगर आप देखेंगे तो कुछ समाज सुधारक के द्वारा, बड़ी आवाज करता है ये, कोई और उपाय नहीं इसके आवाज को कम करने का? पहले तो नहीं करता था इतना आवाज। ये तो ये आवाज वाला होता है ना, कुछ आवाज को यहां से कम करने का। एक मिनट आप लोग थोड़ा रहेंगे, अच्छा म्यूट कर देने पर तो। हेलो, अब ठीक, अब कम है ना? नहीं, उतना ही है, हम ही धीरे धीरे बोल रहे हैं। रुकिए,
अब फिर भी उतना ही। छोड़ दीजिए इसको, हम कर देते हैं। वहाँ कोई क्वेश्चन आएगा तो वो केवल लिख के दे दीजिएगा, बहुत इरिटेट कर रहा है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले की। तो वो समय ऐसा था जिस समय भारत में अगर देखेंगे तो श्रमिकों की बात करने के लिए या श्रमिकों की बात आवाज़ को उठाने के लिए कुछ समाज सुधारक जो समाज में समाज सुधार का काम कर रहे थे, कुछ परोपकारी संगठन, कुछ वकील, कुछ अध्यापक, यही लोग आगे आ रहे थे। तो प्रारंभिक फेज में अगर देखेंगे तो जैसे ही फैक्ट्री की यहाँ पर स्थापना होती है और श्रमिकों के हितों की अगर बात करते हैं, श्रमिकों के हितों के रक्षा की अगर बात करते हैं, तो इस बात को हम लोग डिफरेंट क्लास में डिफरेंट टाइम्स रिपीट कर चुके हैं। फिर से एक बार हम चर्चा करना चाहेंगे कि भारत में श्रम कानूनों की जो उत्पत्ति होती है वो औपनिवेशिक पृष्ठभूमि में होती है। औपनिवेशिक पृष्ठभूमि में होती है अर्थात भारत एक उपनिवेश था और इसकी पूरे पूरे संसाधन को जो इसके मदर स्टेट थे उस मदर स्टेट को ये बेनिफिट में लगाया जा रहा था और भारत को इंग्लैंड का एक मार्केट के रूप में तब्दील कर दिया गया था। तो जैसे ही मार्केट की हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो सूती कपड़ा था उसी का मार्केट भारत को बनाया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो परंपरागत दस्तकारी थी, यहाँ का जो परंपरागत कपड़ा उद्योग था उसको चौपट करके और फिर भारत को उनका बाजार बना दिया गया था। अब जब भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की शुरुआत होती है, जब कुछ पारसी और कुछ गुजराती लोगों के द्वारा कॉटन मिल्स स्थापित किए जाते हैं और भारत में अगर देखेंगे तो उस समय बहुत ही सस्ता श्रम अवेलेबल था। दूसरा चीज कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि श्रमिकों का एक फैमिली पैकेज चलता था। उनके काम करने और काम न करने का जो समय था उस समय क्या कोई बंदिश नहीं थी। जब से मन तब जितना देर मन उतना देर उनसे काम लिया जा सकता था। वेज के देने में आनाकानी की जाती थी, वेज के भुगतान में बहुत समस्या हुआ करती थी। उनकी जो स्थिति थी बहुत ही बुरी स्थिति थी, लेकिन जो उद्योगपति थे, जो एम्प्लॉयर थे, उनके पास सस्ता श्रम अवेलेबल था। क्यों? क्योंकि विपन्नता बहुत ज्यादा हो चुकी थी। औपनिवेशिक शोषण के कारण लोगों में विपन्नता बहुत ज्यादा थी। एग्रीकल्चरल जो जो भी रेवेन्यू सिस्टम इम्पोज किया गया भारत में उसके कारण क्या हुआ कि लोग कृषक से मजदूर बनने की तरफ परिवर्तित होने लगे और कृषक से मजदूर बनने लगे। अब लिवलीहुड के लिए उनको उनके लिए मजदूर बनना जरूरी था और फैक्ट्रियों में और जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर काम करना उनकी व्यवस्था थी और इस कारण से श्रम यहाँ बहुत सस्ता था। तो यहाँ के जो उद्योगपति थे वो बहुत जल्द ही लंकाशायर के जो उद्योगपति थे उसको चुनौती देना शुरू कर दिए। उनके जो वस्त्र आ रहे थे उसको यहाँ पर उसके डिमांड में कमी आई। जैसे ही ये कमी आई तो उन लोगों ने रिसर्च किया कि आखिर हुआ क्या, क्यों आखिर इंडिया को इतना बड़ा बाजार हम बनाए। 1813 के बाद से हम देखेंगे कि भारत को एक बाजार में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी। तो अचानक से आया कि भाई बाजार क्यों बंद हो रहा है, हमारा डिमांड क्यों कम रहा है। जब इसके कारण की उन लोगों ने पड़ताल की तो देखा कि भाई जो भारत का जो नए उभरते हुए उद्योगपति हैं, जो नवतुरिया फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उनके सामान सस्ते हैं और उसको लोग वहां ज्यादा परचेज कर रहे हैं। तब भाई क्या कि भाई वो सामान सस्ते क्यों पहुंचा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स पर मेरा अधिकार है, एक्साइज ड्यूटी हमको नहीं लग रहा है, आयात ड्यूटी हमको नहीं लग रहा है, उनको फिर वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, फिर वो कैसे हमको चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। तब पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ा चीज है कि लेबर कॉस्ट को इन लोगों ने सस्ता कर दिया है। लेबर कॉस्ट बहुत कम है भारत में। यूरोपियन को हम अपने यहाँ यूरोपियन लेबर को रखते हैं जिसको हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है और इंडिया में क्या है कि वो भारतीय लोगों को रख रहे हैं और बहुत कम पेमेंट पर वो काम कर रहे हैं। तब उन लोगों ने दबाव डाला भारत सरकार पर और भारत सरकार के द्वारा जब फैक्ट्री एक्ट हम लोग पढ़े थे तो हमने आपके साथ चर्चा की थी कि फैक्ट्री एक्ट बनाने की शुरुआत की गई। 1881 से ही फैक्ट्री एक्ट के निर्माण की शुरुआत हो जाती है। टाइम को लिमिट करने की कोशिश होती है, 7 से 14 घंटे तक, 7 से 14 वर्ष के उम्र के से कम 7 से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं लगाने की बात होती है।
तो इस तरह करके धीरे धीरे रेगुलराइज करने की कोशिश होती है। इसी यही वो समय है जहां पर ब्रिटिश उद्योगपतियों के प्रेशर से भारत सरकार श्रम कानून के निर्माण की शुरुआत करती है। अब भारत के श्रमिक इस समय क्या कर रहे थे, तो इस समय अगर आप देखेंगे तो भारत में कुछ परोपकारी लोगों के द्वारा, मुख्य रूप से इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा सत्यशोधक समाज के बारे में, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, उन्हीं के एक रिलेटिव थे, उन्हीं के एक उन्हीं से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे लोखंडे, एन एम लोखंडे थे, जिन्होंने बंबई मिल्स मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1890 में की। 1890 ही हैड एस्टैब्लिश्ड बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। और इन्होंने एक दीन बंधु नाम की पत्रिका निकाली जो कि भारत में पहला लेबर जर्नल होने का, श्रमिकों से जुड़ा हुआ पहला पत्रिका होने का, पहला श्रमिक श्रम पत्रिका होने का दावा प्रस्तुत कर सकता है। पहला श्रम पत्रिका था जो दीनबंधु नाम की पत्रिका इस संगठन के द्वारा निकाली गई। लेकिन इस संगठन के साथ विशेषता क्या थी, इन्होंने वायसराय के पास बहुत सारे लेटर लिखे, बहुत सारे अनुज्ञाएं लिखी, बहुत सारी प्रेजेंटेशन अपना दिया, बहुत सारे लोगों से हस्ताक्षर अभियान चला करके प्रेजेंटेशन दिया। और इनका मुख्य काम था कि जो भी श्रमिक हैं, जो भी लेबर हैं, उनको एक जगह बैठाना, उनके ग्रीवांस को दूर करने की कोशिश करना। किसी सशक्त आंदोलन के प्रति ये कभी आकृष्ट नहीं हुए, किसी भी प्रकार से कोई सशक्त आंदोलन चलाने की कोशिश इन्होंने नहीं की। और इन्होंने किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया, मीन्स की सदस्यता शुल्क इन्होंने नहीं लिया। इसके साथ साथ इन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया जहां पर श्रमिकों से जुड़े हुए बातों की चर्चा हो, बस एक यह जो एक संगठन था जहां पर श्रमिकों से जुड़े हुए मुद्दे पर केवल बातचीत की जाती थी और प्रेजेंटेशन पेटिशन वगैरह देने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो सबसे पहली संस्था थी, जो इस दिशा में पहली शुरुआत होती है, यह एक परोपकारी संगठन के द्वारा और लोखंडे के द्वारा जो शुरू की जाती है, यह मुख्य रूप से समाज सुधार से और श्रमिकों की दशा को सुधारने से जुड़े हुए थे। लेकिन उग्र तरीका से और श्रमिकों की बात को उठाकर किसी प्रकार के आंदोलन या इस प्रकार के किसी भी कोई भी तरीका अपनाने से परहेज कर रहे थे। और ऐसी बात नहीं कि इस समय में स्ट्राइक नहीं हुआ था या हड़ताल नहीं हुआ था। अगर आप देखेंगे तो 1877 में नागपुर के एम्प्रेस मिल में स्ट्राइक होती है। इसी समय में 1877 में नागपुर के एम्प्रेस मिल में हड़ताल होती है। लेकिन इस हड़ताल को नेतृत्व देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, बिना किसी नेतृत्व के स्वस्फूर्त, जिस प्रकार से आप 1942 की क्रांति के विषय में पढ़ते हैं कि वह स्वस्फूर्त क्रांति था, उसी तरह यह हड़ताल जो था वो स्वतः स्फूर्त हड़ताल था। हड़ताल हुआ, कुछ बातें नियोजकों ने मानी, फिर यह हड़ताल बंद हो गया। इसी तरह उस समय नया नया रेलवे का गठन हुआ था, तो एक अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट इन इंडिया एंड बर्मा, भारत तथा बर्मा के रेलवे कर्मचारियों का, रेलवे सेवकों का एक समामेलित समाज नाम से एक संगठन 1897 में बनाया गया। 1897 में इंडिया अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट इन इंडिया एंड बर्मा नाम की एक संस्था बनाई गई। लेकिन यह संस्था जो थी, यह भी कोई लेबर आंदोलन या श्रम आंदोलन शुरू करने के बनिस्पत यह म्यूचुअल इंश्योरेंस पर आधारित संस्था थी, जहां पर श्रमिक जो भी संस्था से जुड़े हुए थे उनके परस्पर बीमा की कोशिश की जा रही थी। दूसरा चीज की परस्पर
एक दूसरे के सहयोग की बात की जा रही थी, लेकिन किसी भी तरीका से यहाँ पर श्रम आंदोलन शुरू करने की बात नहीं थी। श्रमिक के हितों को लेकर के किसी प्रकार के औद्योगिक एक्टिविटीज को शुरू करने की चर्चा यहां तक नहीं मिलती है। तो 1900 से पहले के जितने भी हम संगठन की बात करें, वो जितने भी संगठन थे वो सारे संगठन परोपकारी संगठनों के द्वारा शुरू किए गए थे, जिनका श्रमिकों से कुछ लेना देना नहीं था, या वो श्रमिक खुद नहीं होते थे, ये अध्यापक मिडिल क्लास के जो लोग थे वो लोग थे, और उनका श्रमिकों की वर्गीय चेतना से किसी प्रकार का जुड़ाव नहीं था। तो इस समय के आंदोलन को अगर हम देखेंगे तो यहां पर संगठन का अभाव दिखता है, संगठन का अभाव दिखेगा पहला चीज। दूसरा चीज दिखेगा कि यहां पर कोई सदस्यता शुल्क नहीं था, तीसरा चीज देखेंगे कि यहां पर वर्गीय चेतना अभी तक उदित नहीं हुआ था, वर्गीय चेतना का अभाव यहां पर दिखता है। चौथा चीज अगर देखें तो यहां पर जितने भी नेतृत्वकर्ता थे वो समाज के परोपकारी या सामाजिक सुधार उनका किसी न किसी प्रकार के सामाजिक सुधार या परोपकारी संगठन से जुड़ाव था, अर्थात नेतृत्व जो था उन आप कह सकते हैं कि नेतृत्व जो था वो मध्यवर्गीय नेतृत्व था, जो उस समय के नए नए मध्य मिडिल क्लास का उद्भव हुआ था, तो नए नए जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग थे वो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। अस्पष्ट मांग का अभाव था, अस्पष्ट श्रमिकों श्रम नीति के लिए अस्पष्ट चिंतन का उसके पास अभाव था, श्रमिकों की समस्या से वो पूर्णतः अनभिज्ञ थे। तो ये सब समस्याएं उस समय के श्रम आंदोलन में देखने को मिलती है। लेकिन इसके सेकेंड फेज में अगर आप जाकर के देखें 1900 के बाद से अचानक से श्रम संगठनों की तेजी से श्रम संगठन बनने शुरू हो जाते हैं। इस समय देखेंगे तो 1907 में बॉम्बे पोस्टल यूनियन बनता है, 1909 में कामगार हितवर्धक सभा बनती है, 1911 में गोखले के द्वारा सोशल सर्विस लीग का गठन किया जाता है, इसी समय मद्रास में देखेंगे मद्रास लेबर यूनियन बीपी वाडिया के द्वारा बनाया जाता है। अपने श्रम ट्रेड यूनियन मूवमेंट की तरह ट्रेड यूनियन की जो हमने कल आपके साथ परिभाषा डिस्कस किया था उस परिभाषा पर खरा उतरने वाला भारत का पहला जो संगठन था वो बीपी वाडिया के द्वारा स्थापित मद्रास लेबर यूनियन था, जो बहुत हद तक उन शर्तों को पूरा कर रहा था, अर्थात एक ऑर्गेनाइज्ड और मेंबरशिप शुल्क के साथ मेंबरशिप फी के साथ उस संस्था को निर्मित किया गया था, जो पूरी तरह से श्रमिकों के हितों के प्रति समर्पित था, और उसके जितने भी ऑफिस बियरर थे वो सभी श्रम से जुड़े हुए थे, श्रमिकों से जुड़े हुए लोग थे, और श्रमिकों के हितों की बात को लेकर के पहली बार अगर कोई ट्रेड यूनियन भारत में बना देन दैट ट्रेड यूनियन इज मद्रास लेबर यूनियन एस्टैब्लिश्ड बाय वीपी वाडिया। इस लेकिन संगठन के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो ये सारी समस्याएं, ये सारी बातें जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस की, ये सब वहां पर भी एग्जिस्ट कर रहा था, ये सब बातें वहां पर भी सामने आ रही थी। और उस समय का जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो तरीका था, जो आप लोग ट्रिपल पी के रूप में देखते हैं, जो प्रार्थना प्रपत्र और पेटिशन की बात करते हैं, वही सब चीज यहां पर भी आजमाया जा रहा था, वही सब काम यहां भी कर रहा था। मींस कि ये सब संविधानवादी थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते थे, सरकार के पास पेटिशन दे रहे थे, सरकार के पास प्रेयर कर रहे थे, सरकार से रिफॉर्म की बात करते थे, लेकिन कोई सशक्त आंदोलन शुरू करने की इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की। इन्होंने सामूहिक सौदेबाजी से के संबंध संदर्भ में भी किसी प्रकार का कोई
किसी कार्यक्रम को जो सामाजिक सौदेबाजी की तरफ बढ़ता हो इसको नहीं अपनाया। तो ये पूरा का पूरा जो फेज था फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, वह सोशल वेलफेयर के पीरियड को आप कह सकते हैं, इसको एस डी पुनेकर जो कि भारत के बहुत बड़े श्रम विशेषज्ञ है, उन्होंने इसको सोशल वेलफेयर पीरियड के रूप में कहा है। सामाजिक कल्याण से का जो समय था उससे वो नाम इन्होंने दिया है, अर्थात ये जो फेज था फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले का फेज, इसको हम लेबर मूवमेंट में सोशल वेलफेयर फेज के रूप में देख सकते हैं, सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए समय के रूप में देख सकते हैं, सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए काल के रूप में देख सकते हैं, जहां पर लेबर वेलफेयर की बात की गई थी, लेबर के वर्क कंडीशन या लेबर के वेज या लेबर की कार्यदशा या उनके क्लास चेतना के विषय में यहां पर कोई चर्चा नहीं मिलती है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड फेज में। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेकेंड फेज का। हम लोग सेकेंड फेज की चर्चा करेंगे, अर्ली ट्रेड यूनियन पीरियड 1914 से लेकर के 1926 तक के पीरियड का। इस समय में देखेंगे कि अचानक से बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाएं घटती हैं, और इन घटनाओं ने भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए संगठनों के निर्माण को, ट्रेड यूनियन के परिभाषा पर खड़े उतरने वाले जो संगठन थे उन संगठनों के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार की। तो जो सबसे पहला काम हुआ 1914 से लेकर के मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के 1926 के बीच में, तो वहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को के रास्ते में एक मील के पत्थर के रूप में सामने आता है वो क्या था, रशियन रिवॉल्यूशन। रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है और बोल्शेविक क्रांति 1917 में होती है, और बोल्शेविक क्रांति होने के साथ साथ वहां पर मजदूरों की सत्ता स्थापित हो जाती है, जारशाही को समाप्त कर दिया जाता है, जो वहां पर किंगशिप था उसको खत्म कर दिया जाता है, जो जार वहां के सम्राट हुआ करते थे उनके शासन को समाप्त करके वहां पर श्रमिकों का शासन स्थापित होता है। जैसे ही श्रमिकों का शासन स्थापित होता है तो इस पूरे संघर्ष में ट्रेड यूनियन की भूमिका उभर करके सामने आती है, और इसके कारण से मजदूर लोग प्रेरित होते हैं कि जिस प्रकार से मजदूरों ने रूस में अपना शासन स्थापित किया है, वैसे ही हम भी अपने आप को सशक्त कर सकते हैं, हम अपने आप को संगठित करके, हम अपने आप को एकजुट करके अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि जैसे ही रूस में मजदूरों के शासन की स्थापना होती है, जैसे ही रशियन रिवॉल्यूशन होता है, तो वो केवल रिवॉल्यूशन को अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, वो उस रिवॉल्यूशन के प्रसार की भी जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाते हैं, और इस रिवॉल्यूशन के जो भी तत्व थे, जो भी इनका सिद्धांत था, उस सिद्धांत को प्रचार प्रसार पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करने की भी कोशिश की जाती है। तो इस दोनों कारण ने भारत में भी श्रम से जुड़े हुए, श्रम मूवमेंट से जुड़े हुए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को प्रेरित किया, और उन लोगों को प्रेरित किया कि अब ये ऑर्गेनाइज संगठन स्थापित किया जाए, श्रमिकों के बीच
क्लास जो क्लास फीलिंग है, जो वर्गीय चेतना है, इस वर्गीय चेतना को निर्मित किया जाए और वर्गीय चेतना के आधार पर उनको संगठित करने की कोशिश की जाए, यह भी शुरुआत होती है। तो इस समय दूसरा रीजन अगर आप देखेंगे तो रशियन रिवॉल्यूशन के कारण जो उस समय की इंपेरियलिस्टिक इकोनॉमी थी या जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसके समक्ष एक चुनौती उत्पन्न होता है। वो चुनौती यह उत्पन्न होता है कि रशियन गवर्नमेंट जो है या यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म के प्रचार की बात करती है। जैसे ही कम्युनिज्म के प्रचार की बात करेंगे तो सीधी सी बात क्या है, कल हम लोग कार्ल मार्क्स का पढ़े थे, वो क्या कहता था कि हम पूंजीवाद को ही खत्म कर देंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही ध्वस्त करेंगे, उसका प्राइम एम यही था। तो ये लोग क्या करते हैं, एक मॉडरेट संस्था का के निर्माण की कोशिश करते हैं। और एक मॉडरेट संस्था के रूप में क्या चीज आता है, तो ILO आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक मॉडरेट संस्था की के निर्माण की कोशिश करते हैं, एक मॉडरेट संस्था को ये निर्मित कर लेते हैं। जैसे ही ILO का निर्माण होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का निर्माण होता है, तो हम लोग ILO पढ़ चुके हैं, वहां स्पष्ट रूप से देखे होंगे कि यह तीनों व्यक्तियों का, तीनों ग्रुप का, इंडस्ट्री से जुड़े हुए तीन ग्रुप जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन के, जो तीन मेन पार्टिसिपेंट है, उस तीनों पार्टिसिपेंट को प्रतिनिधित्व यहां पर दिया गया है। तो ILO भी अपना जो हम लोगों ने पढ़ा है लेबर कॉन्फ्रेंस जब उसकी स्थापित होती है तो वहां पर श्रमिकों के प्रतिनिधियों को बुलाने की बात होती है, प्रत्येक देश से श्रमिकों के प्रतिनिधि को भेजा जाएगा और श्रमिकों के प्रतिनिधि को जो श्रमिकों की संस्था होगी उसके कंसल्टेंसी से, उससे विचार विमर्श करके वहां की सरकार श्रमिकों के प्रतिनिधि को भेजेगी। उसी तरह एक प्रतिनिधि नियोजकों का प्रतिनिधि होता है, जहां जो नियोजकों की मान्य संस्थाएं उनसे विचार विमर्श करके उनके प्रतिनिधि को भेजा जाता है, और एक प्रतिनिधि सरकार के द्वारा अपनी तरफ से भेजा जाता है। तो जब ILO का गठन हुआ और वहां प्रतिनिधि भेजने की बात हुई तो उस समय ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि वो अपने मन से, वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करती है और अपने डिस्क्रिशन पर, पूरी तरह से अपने स्व विवेक के आधार पर प्रतिनिधि को चुन करके भेज देती, श्रमिकों के प्रतिनिधि को चुन करके भेज देती है। इसके कारण से यहां पर जो भी ट्रेड यूनियनिस्ट थे, जो भी श्रमिक संगठन थे, वो लोग अपने आप को अपमानित समझते हैं और फिर वो एक सशक्त श्रम संगठन को गठित करने की तरफ प्रेरित होते हैं। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण भूमिका था वो यह भी था, ILO और ILO के कारण जो पृष्ठभूमि तैयार हुई वो। तीसरा महत्वपूर्ण कारण इस समय के श्रम आंदोलन पर प्रभाव डालने वाला अगर देखेंगे तो ये वो दौर था जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से भारत में ब्रिटिश सरकार जो थी उसकी ब्रूटल और ब्रूटल वायलेंस जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। चाहे वो जालियांवाला बाग का हत्याकांड हो, रॉलेट एक्ट जैसा एक्ट बनाया जाना हो। इसी समय अगर आप देखेंगे तो एक और महत्वपूर्ण काम चल रहा था, वह था कि नेशनल मूवमेंट में अगर देखें तो असहयोग आंदोलन और स्वराज आंदोलन दोनों से इस दौर में भारत गुजर रहा था। असहयोग आंदोलन से गुजरा, असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, उसके बाद स्वराज मूवमेंट भी चल रहा था। और इसी समय में अगर देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण अचानक से जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ी थी, अचानक से वार आइटम्स की डिमांड बढ़ी थी, तो बहुत सारे कैपिटलिस्ट जो थे, बहुत सारे जो पूंजीपति थे, वो उसके प्रोडक्शन में लग जाते हैं। तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, तो इस कारण से बड़े पैमाने पर श्रमिकों को बहाल किया गया। और वर्ल्ड वार के बाद जैसे ही उन सामान के डिमांड में कमी आई तो फिर उन श्रमिकों को निकाला जाने लगा। तो यह भी एक रीजन था जिसके कारण उन लोगों में एक एजिटेशन व्याप्त हुआ, एक असंतोष व्याप्त हुआ। इसने भी श्रम आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित करने की कोशिश की। इसके अलावा एक और रीजन था, रीजन यह था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे भारतीय सेना के में भर्ती हुए थे और सेना में भर्ती होकर के विभिन्न यूरोपीय देश में
फाइट करने गए थे, विभिन्न यूरोपीय देश में लड़ने गए थे, जब वो वहां से वापस लौटते हैं और फिर सेना से हटने के बाद वो जब डिफरेंट फैक्ट्रीज में जाकर के काम करना शुरू करते हैं, तो वो देखते हैं कि जो ब्रिटेन या यूरोपीय कंट्रियों की, यूरोपीय देशों की जो व्यवस्था थी उसके समक्ष भारतीय व्यवस्था को वो बहुत ही कमतर पाते हैं। तो इसके कारण से एक एजिटेशन की शुरुआत होती है। तो ये सब घटनाएं सम्मिलित रूप से, ये सारी घटनाएं सम्मिलित रूप से भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट के शुरुआत की कोशिश करती है, भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए पृष्ठभूमि निर्माण का कोशिश करता है। इसी समय देखेंगे कि 1920 में एटक का गठन होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया जाता है, जिसकी पहली अध्यक्षता जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है। अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो ये बहुत प्रखर वक्ता थे, बहुत प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत प्रखर नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले भारतीय लीडर थे। आगे चल के देखेंगे कि साइमन के विरोध के स्वरूप जो लाठीचार्ज होता है उसमें इनकी मौत होती है। लेकिन ये क्रांतिकारियों के द्वारा, उदारवादियों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा, सबके द्वारा पूजित व्यक्ति थे, सबके बीच इनका, इनकी प्रतिष्ठा थी, सबके बीच इनका महत्व था, और इन्हीं को फर्स्ट एटक का अध्यक्ष बनाया गया। इनकी अध्यक्षता में ही एटक की पहली मीटिंग होती है, एटक का गठन होता है। फिर इनके जो सहयोगी थे उस समय अगर देखेंगे तो एनएम जोशी थे, एनएम जोशी, और अगर देखेंगे तो इस संगठन से महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सभी लोगों का इस संगठन से जुड़ाव रहा था। तो उस समय के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस पॉलिटिकल पार्टीज से भी एटक के संगठन का, एटक के लोगों का जुड़ाव रहा था। अब जो समय आता है, अब जो समय आता है वो अचानक से इसी दौर में अगर आप देखेंगे, ये जो समय था ये बहुत ही उग्र वामपंथ का दौर था। ये पूरा पीरियड 1924 से लेकर के 1926, 1926 से लेकर के 1927 से लेकर के 1934 का जो पीरियड था, यह पीरियड पूरी तरह से लेफ्ट विंग के वर्चस्व की पीरियड थी। इसी समय में देखेंगे कि वर्कर्स पीजेंट पार्टी का गठन होता है, वर्कर्स पीजेंट पार्टी का गठन होता है, जिसके प्रमुख लीडर जो थे सोहन सिंह जोश थे। अब ये लोग क्या करते हैं कि श्रमिकों और कृषकों का एक गठबंधन को निर्मित करते हैं और फिर अपने वर्गीय आधार को विस्तृत करने की कोशिश करते हैं। इसी समय कुछ लोग सोवियत रूस जाते हैं वहां के प्रणाली का अध्ययन करने के लिए। वहां के जो इंटरनेशनल कॉमिंटर्न होता था, जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होता था जहां पर पूरे विश्व में कम्युनिज्म के प्रचार प्रसार की बात की जाती, उन संस्था में भारत से लोग भी जाकर के शामिल होते हैं। और ऐसे ही पहले पहले भारतीय जो थे वो मानवेंद्र नाथ राय थे, जो आगे चल करके कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत प्रमुख लीडर के रूप में भारत में सामने आते हैं। तो अब ये लोग वहां भी जाना शुरू कर दिए थे, ये लोग रसिया जा रहे थे, रूस जाकर के वहां से, पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के, श्रमिकों की पार्टी जो शासन कर रही थी, उस शासन प्रणाली का भी अध्ययन कर रहे थे। इस दौर की बात अगर हम करें 1914 से लेकर के 1926 तक की अगर हम बात करें, तो इस दौर में मुख्य रूप से बहुत सारे श्रम संगठनों का गठन होता है और एक फेडरेशन जो महासंघ के रूप में अगर हम देखें तो महासंघ के रूप में एटक का गठन होता है। और अगला जो 1927 से लेकर के 1934 तक का जो फेज था, इस फेज में हम देखेंगे कि एटक पर लेफ्ट विंग से जुड़े हुए वामपंथी ग्रुप का कब्जा हो जाता है।
वामपंथी ग्रुप इसको अपने नेतृत्व में लेने में सफल होता है और यहाँ पर वामपंथी ग्रुप बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं। इस दौरान देखेंगे कि बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन मेंबर्स की संख्या बढ़ती है, बड़ी संख्या में स्ट्राइक होती है और बहुत सारे इस समय के प्रमुख कम्युनिस्ट लीडर की अगर हम बात करें तो एम.एन. रॉय तो थे ही थे, श्रीपाद अमृत डांगे थे, जो श्रीपाद अमृत डांगे थे जो कि मुंबई से सॉरी उस समय बॉम्बे था, बॉम्बे से द सोशियोलॉजिस्ट अखबार निकालते थे। इसी तरह मुजफ्फर अहमद थे, जो जनवाणी नाम का अखबार निकालते थे और बंगाल के क्षेत्र में एटक के प्रचार प्रसार को नियंत्रित कर रहे थे, बंगाल के क्षेत्र में एटक के प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे। ये मुजफ्फर अहमद के द्वारा किया जा रहा था। तो इनके द्वारा जनवाणी नाम का पत्रिका निकाला जा रहा था, पेपर निकाला जा रहा था। उसी तरह श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा सोशियोलॉजिस्ट, द सोशियोलॉजिस्ट पेपर निकाला जा रहा था और ये लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट में पूरी तरह से रमे बसे हुए थे, पूरी तरह से जुड़े हुए थे। अब जो अगला दौर आता है, यही लेफ्ट विंग यूनियनिज्म का जो दौर आता है, इस दौर में ही अगर देखेंगे तो अचानक से लड़ाई झगड़े की भी शुरुआत हो जाती है। अचानक से यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन टूटने भी लगता है। टूटने कैसे लगता है कि दो बातों को लेकर के ट्रेड यूनियन जो एटक के सदस्य थे, उस एटक के सदस्यों में हमने पहले कहा कि कम्युनिस्टों की संख्या बढ़ गई थी, मार्क्सवादियों की संख्या या वामपंथियों की संख्या बढ़ गई थी। तो यहाँ के जो लोग उदारवादी थे, जो उदारवादी लोग थे और मार्क्सवादी लोग थे, उन दोनों की अलग अलग गुट बनने लगे थे और उसके बीच आपसी खिंचमतानी, आपसी लड़ाई जो थी, आपसी जो ईगो प्रॉब्लम था, वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और ले देकर के दो मुद्दे पर जाकर के बात फंस जाती है, दो मुद्दे पर ले जाकर के बात फंस जाती है। वो दो मुद्दा था, पहला मुद्दा जो था वो था एफिलिएशन का मुद्दा। एफिलिएशन का मुद्दा यह था कि आखिर हम एटक जो है वो किसके साथ अपना जुड़ाव करे। दो विकल्प थे, या तो एम्स्टर्डम में जो लेबर फेडरेशन था यूरोपीय देशों का उसके साथ जुड़ाव करे, या फिर मॉस्को का जो फेडरेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय को जो कॉमिंटर्न जिसको कहा जाता था, उससे जाकर के ये जुड़े। तो एटक के जो सदस्य हैं वो कॉमिंटर्न से, रशियन जो लेबर फेडरेशन था उससे जुड़ने की बात करते हैं, उससे जुड़ने की बात पर एकमत हो जाते हैं। एफिलिएशन के मामले पर दोनों के बीच में विवाद की स्थिति रहती है। जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि हम एम्स्टर्डम की जो संस्था है, जो यूरोपीय यूनियन के लेबर के लेबरों की संख्या है, उससे जाकर के जुड़े, जबकि जो वामपंथी लोग थे ये रशियन संस्था से, रशियन कॉमिंटर्न से जुड़ना चाह रहे थे। तो इस बात को लेकर के विवाद की शुरुआत होती है। इसके बाद दूसरी जो विवाद की शुरुआत होती है वो मोड ऑफ एक्शन को लेकर के शुरुआत होती है। जो उदारवादी थे, एटक के जो उदारवादी सदस्य थे, उनका मानना था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को अपनाते हुए ही आंदोलन करें, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को अपनाते हुए ही किसी बात की तरफ आगे बढ़ें, अर्थात अगर नियोजकों पर दबाव डालना है तो हम सरकार के माध्यम से दबाव डाल सकते हैं, जो विधि द्वारा स्थापित जो नियम कानून है उसके अनुसार चल करके सरकार पर दबाव डालेंगे। एडजुडिकेशन को प्रीफर करने वाले लोग थे। इसी समय में अगर हम मोड ऑफ एक्शन जो वामपंथियों का था उसकी बात करें तो ये प्रचंड विद्रोह में यकीन रखते थे और इसके कारण से ये बहुत तेजी से चलने वाले श्रम आंदोलन, हड़ताल, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को प्रीफर करना शुरू कर दिए। हल्ला, हंगामा, हिंसक हड़ताल वगैरह करने की शुरुआत इनके द्वारा की गई। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में मतभेद होता है और मतभेद की स्थिति में इस संगठन को तोड़ दिया जाता है। एटक से जो उदारवादी सदस्य थे वो निकल करके बाहर चले जाते हैं और
बाहर जाकर के वो AITUF बनाते हैं 1930 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का वो निर्माण करते हैं। तो 1930 में ये जो ग्रुप था, जो उदारवादियों का ग्रुप था एटक का, वो इससे अलग हो जाता है और ये अपनी एक अलग संस्था AITUF, इसका नाम लिख लेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से अपनी एक अलग एक यूनियन का निर्माण करता है, एक अलग फेडरेशन का निर्माण करता है। फिर इस फेडरेशन में फिर से एक टुकड़ कटाव आता है, फिर से एक बार सदस्य जो है वो भागते हैं यहाँ से, और यह जो दूसरा जो बाइफर्केशन होता है वो भी 1930 में ही बाइफर्केशन हो जाता है। अब जो नया यूनियन बनता है उसको हम रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं। तो जो धूर मार्क्सवादी थे उसमें जो बहुत ज़्यादा रेडिकल्स एलिमेंट्स थे वो अलग हो करके RTUC का गठन करता है, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन इस ग्रुप से जो नाराज ग्रुप थे उनके द्वारा किया जाता है। इस टाइम में देखेंगे तो रेलवे में भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के रूप में एक नई संस्था चल रही थी। इसी समय देखेंगे कि गांधी जी की, जब हम अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करते हैं तो वहां पर गांधी जी के द्वारा भी अहमदाबाद टेक्सटाइल्स एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो सेकेंड और थर्ड फेज जो अर्ली फेज था, और थर्ड फेज में अगर जाकर के देखें तो यहां पर सशक्त रूप से अब ये संगठन में शामिल होने की शुरुआत करते हैं, एक सशक्त संगठन के निर्माण की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है थर्ड फेज में जाकर के, थर्ड फेज अर्थात लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन। और इस समय देखते हैं कि इस समय की जो एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी वो प्रवृत्ति थी कि राजनैतिक प्रतिबद्धता के कारण, पहली बार, इससे पहले आपको राजनैतिक प्रतिबद्धता नहीं देखने को मिल रहा था, पहली बार देखें कि राजनैतिक प्रतिबद्धता के आधार पर ट्रेड यूनियन का निर्माण किया जा रहा था, ट्रेड यूनियन की विचारधारा को राजनैतिक प्रतिबद्धता से कवर करने की कोशिश की जा रही थी। क्लियर, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यहां तक में कोई प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं। यहां तक में आप, एक मिनट, यहां तक में कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अभी तक नहीं जुड़े हुए थे आवाज के प्रॉब्लम के कारण। अगर आप प्रश्न लिखे हो तो फिर से एक बार लिखने की कोशिश करें। कोई प्रश्न हो तो आप लिखने की कोशिश करें। अब एक चीज और देखिएगा कि ये वो फेज था, इस फेज में सरकार भी इनके प्रति सशक्त हो जाती है, सरकार भी इन पर एक्शन लेने की कोशिश करती है। इतिहास के तैयारी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, या प्री के लिए भी जब आप इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास सब्जेक्ट न रहा हो लेकिन इतिहास पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि मेरठ षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, इसके द्वारा बहुत सारे कम्युनिस्ट वर्कर्स को पकड़ा जाता है। सर, राजनीतिक रूप
देने का क्या मतलब है? क्या राजनीतिक रूप हम नहीं समझे? फिर से बोले, फिर से मतलब उसको थोड़ा और अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करें। अच्छा, राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात। ठीक, एक्चुअली राजनीतिक प्रतिबद्धता से तात्पर्य है कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, मूल बात जो है उसी विचारधारा से जाकर के जुड़ता है। कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात करें तो भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत ही रशियन इन्फ्लुएंस से होती है। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के इन्फ्लुएंस से ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत होती है। वामपंथी पार्टियों की शुरुआत के पीछे रशियन रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। देखे होंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे थोड़ा भी, तो सबसे पहले भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जब स्थापित की गई थी सत्यभक्त के नेतृत्व, सत्यभक्त एक थे जिन्होंने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की बात हुई थी। तो इस बात को लेकर के विवाद हो गया था कि इसको भारत की कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाए या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाए। मीन्स कि इसका जो गाइडेंस होगा, ये गाइडेंस कॉमिंटर्न के द्वारा दिया जाएगा। जो रूस में जो कम्युनिस्ट सरकार बनी हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जो इंटरनेशनल स्तर पर कम्युनिज्म के प्रचार प्रसार का की कोशिश के दिशा में कोशिश कर रही है, उसके गाइडलाइंस के अनुसार हम काम करें। इसी बात पर लेकर के सत्यभक्त को दरकिनार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाएगा, न कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट मूवमेंट जो चलता है, वो कम्युनिस्ट मूवमेंट में हमेशा मॉस्को से निर्देश मिलते रहा। मॉस्को से निर्देश मिला कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, तो ये लोग कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। मॉस्को से निर्देश मिलता है कि कांग्रेस के से दक्षिण पंथियों को अलग करने की दिशा में आप काम करें, तो वो इस दिशा में लग जाते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है तब इनकी इनकी जो प्रतिबद्धता थी वो स्पष्ट रूप से सामने आती है, क्योंकि भारतीय समस्या से ये इग्नोर करते हुए प्रारंभिक समय में जब तक रूस जर्मनी के साथ था तब तक ये इंग्लैंड का विरोध कर रहे थे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे फिर विभाजन कैसे होता है। तो केवल पृष्ठभूमि बतला देते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। तो जब तक रूस जर्मनी के साथ था, जब तक रूस और हिटलर के बीच में समझौता थी, तब तक ये इंग्लैंड का विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हिटलर के द्वारा रूस पर अटैक किया जाता है, ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब जो ये युद्ध है वो जनयुद्ध में बदल चुका है, और फिर यह ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय जब 1942 का मूवमेंट चला था, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी उससे अपने आप को अलग कर लेती है, उसी तरह से जिस प्रकार से आरएसएस अपने आप को उससे अलग कर लेती है। तो ये इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता थी। इनकी जो प्रतिबद्धता थी ये भारत के परिस्थिति से, भारत की जनता के बनिस्पत एक आयातित विचारधारा के अनुसार ये काम कर रहे थे और उसी के अनुसार अपने आप को निर्देशित कर रहे थे। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये भारतीय समस्या को लेकर के नहीं चलते हैं, या भारत की समस्या के अनुसार, भारत के कल्चर के अनुसार, भारत के लोगों के अनुसार अपना नीति निर्माण नहीं कर पाए। ये हमेशा यूरोपियन विचार को लेकर के भारत में आए, इसलिए भारतीय जनता से ये अलूफ रह गए।
भारतीय प्रॉब्लम से अलूफ रह गए। भारत का जो कैपिटलिज्म का या भारत के जो श्रमिकों का प्रॉब्लम है वो भारत के नजरिए से देखने या भारतीयों के नजरिए से देखने में ये हमेशा अक्षम रहे, और इसी कारण से बहुत साइंटिफिक होते हुए भी भारतीय परिवेश में ये अप्रासंगिक होते चले गए। आगे बहुत सारी रीजन है जो इनको अप्रासंगिक बनाती है, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण रीजन यह भी है। केवल यही एक रीजन नहीं है, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। तो जैसे हम राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात करते हैं, तो श्रम आंदोलन में पहली बात जो थी वो राजनीति श्रमिकों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए थी, लेकिन ये राजनीतिक प्रतिबद्धता की तरफ थे। मींस कि जो इनको निर्देश मिल रहा था, जो इनकी पार्टी का इनको निर्देश मिल रहा था, वो उसी के अनुसार काम कर रहे थे। अब बात क्लियर हो गई। तो इस कारण से यह जो इनको उग्र आंदोलन चलाने का निर्देश मॉस्को से मिला था, उस निर्देश के अनुसार चल रहे थे, पहली बात। दूसरी बात कि ये अपने संगठन को रशियन संगठन से जोड़ रहे थे, न कि यूरोपियन जो एम्स्टर्डम की संगठन थी उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी बातों पर दोनों के बीच में मतभेद होता है, और एनएम जोशी के द्वारा अलग होकर के AITUF का निर्माण किया जाता है। यही AITUF आगे चल करके फिर NTUF के रूप में परिवर्तित हो जाती है, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन में। यही AITUF नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन में परिवर्तित हो जाती है। और इनकी एकता भंग हो जाती है। जैसे ही एकता भंग होती है 1927 से लेकर के 1934 के बीच में आपसी रस्साकसी के कारण, आपसी खींचातानी के कारण इनकी एकता भंग होती है, वैसे ही देखिए कि यूनियन के सदस्यता में इस समय कमी आनी शुरू हो जाती है। यूनियन की सदस्यता में कमी आने के साथ साथ लोगों का भी इनके प्रति मोह भंग होना शुरू हो जाता है। अब लोग इनके प्रति आकृष्ट नहीं हो रहे थे। अब दोनों पक्ष महसूस कर रहे थे कि हम, जैसे आप देखते हैं कि कांग्रेस जैसे ही बाइफर्केट होती है दो बार, विशेषकर सूरत के बाद, तो देखिएगा कि दो कांग्रेस अप्रासंगिक होने लगती है। तभी जाकर के फिर प्रासंगिक होती है जब दोनों के बीच में लखनऊ समझौता होता है, उदारवादी उग्रवादी सब एक होते हैं, और उसके बाद से देखेंगे कि महात्मा गांधी के लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। वही चीज यहां भी होता है। अब दोनों ग्रुप जब अलग अलग हो जाते हैं, तो एक ग्रुप जो कम्युनिस्टों का ग्रुप था उस पर देखेंगे कि मेरठ षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस के द्वारा प्रमुख जो कम्युनिस्ट लीडर थे, चाहे वो डांगे हो, चाहे फिलिप स्प्राइट हो, सबको पकड़ पकड़ के जेल में ठूस दिया जाता, चाहे मुजफ्फर अहमद हो, चाहे सोहन सिंह जोश हो, सब पर शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। तो अब होता है कि अगला जो फेज है 1935 से लेकर के 1938 या कह लीजिए 1938 में यूनिटी की शुरुआत हो जाती है। अब होता है कि अब सब एक दूसरे अलग अलग होकर के सब अपनी अपनी निरर्थकता को, इस लड़ाई की निरर्थकता को समझना शुरू कर देते, देखते हैं कि अरे अब तो हमारा तो यूनियन था, वो यूनियन ही टूट गया। और इसी समय देखेंगे कि जब एटक का पहला विभाजन होता है, जब AITUF अलग हो जाती है, मीन्स उदारवादी अलग हो जाते हैं, फिर जो रेडिकल कम्युनिस्ट थे, चाहे वो रणदीवे के रूप में हो, ये सब भी ऐसा नहीं रहता कि वो एटक में बने रहते हैं, ये भी एटक छोड़कर के अपना एक रेड ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। तो श्रम आंदोलन पूरी तरह से विभाजित होने लगता है। फिर कुछ उदारवादी आगे आते हैं, फिर दोनों के बीच में एकता की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा शुरुआत जो होता है वो रेलवे के जो ट्रेड यूनियन थे उसके द्वारा शुरुआत होती है, मुख्य रूप से RTUF के, सॉरी, मुख्य रूप से जो इसकी शुरुआत की जाती है वो ऑल इंडिया रेलवे ट्रेड, ऑल इंडिया रेलवे ट्रेड यूनियन फेडरेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। वो दोनों के बीच में गठबंधन करवाने की, दोनों के बीच में फिर से सहयोग करवाने की दिशा में शुरुआत करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास जो होता है वो बीबी गिरी के द्वारा किया जाता है, जो बाद में हमारे भारत के
राष्ट्रपति भी बनते हैं, तो बीबी गिरी के इफॉर्ट से, बीबी गिरी के द्वारा एक कोशिश की जाती है दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाने के लिए, और 1938 में NTUF और ATAC दोनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। बीबी गिरी के इफॉर्ट से 1938 में, 1938 में NTUF और ATAC का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, और 1940 में जाकर के फिर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। 1940 में दोनों ट्रेड यूनियन संगठन जो है वो एक दूसरे में मर्ज कर जाता है। और ये पीरियड अगर देखेंगे 1938 के बाद से, अब जो पीरियड की शुरुआत होने जा रही है, इस समय देखेंगे पूरा विश्व जो है वो वैश्विक मंदी से गुजरना शुरू हो जाता है। या वह पीरियड था जिस समय जो कैपिटलिस्ट तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाए थे, लेकिन श्रमिकों को धीरे धीरे जो भी वेज मिलना था, जो उनकी कार्यदशाएं अच्छी होनी थी, वो सब होना बंद हो जाता है। यही वो समय है जिस समय देखें कि 1926 में भारत में ट्रेड यूनियन एक्ट भी पारित कर दिया जाता है, इस पर सरकारी नियंत्रण की भी कोशिश की जाती है। अब 1939 से श्रमिक बहुत एजिटेट होने की शुरुआत हो जाती है, श्रमिकों का सम्मिलित विरोध होने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसी समय में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की भी शुरुआत हो जाती है। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है तो फिर जो यूनिटी बनी थी वो यूनिटी टूटने टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। ATAC अपना एक अलग व्यू लेकर के चल रहा था, और जो इसके कम्युनिस्ट मेंबर्स थे, जो कम्युनिस्ट सदस्य थे, वो एक अलग सोच को लेकर के चल रहे थे। उनका जो एक अलग सोच था, वो सोच यह था कि हमने अभी अभी आपके साथ चर्चा की कि प्रारंभिक समय में वो इंग्लैंड के विरोध में थे, प्रारंभिक समय में वो सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ लड़ाई में शामिल होता है, जैसे ही सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल होता है, वैसे ही उनका सुर बदल जाता है। अब ये ATAC से अलग होकर के इंडियन IFL एक बना लेते हैं, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें मानवेंद्रनाथ राय और भी जो कम्युनिस्ट लीडर थे वो शामिल थे, और सरकार के द्वारा इसी को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा इसको वित्तीय सहायता दी जाती है, और ये सरकार का सहयोग करने की शुरुआत कर देते हैं। ATAC बना रहता है, लेकिन ATAC पर सरकार का शिकंजा कसना शुरू हो जाता है, और जो उसके कम्युनिस्ट सदस्य थे, उन कम्युनिस्ट सदस्यों की डिमांड की पूर्ति करने में, उनको संतुष्ट करने में सरकार भी लग जाती है। इस दौरान की अगर प्रमुख घटनाओं को देखें, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी अगर ध्यान में आप रखें, तो इस टाइम में फिर से अचानक से वार मटेरियल्स की डिमांड बढ़ती है, और जिसके कारण बहुत सारे श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है। जब श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है, तो ATAC एक और स्ट्राइक लॉकआउट का सहारा लेता है, श्रमिकों की मांग को पूरा करवाने के लिए स्ट्राइक का सहारा लेना शुरू कर देता है। वहीं पर IFL जो है वो सरकार का सहयोग करना शुरू करता है। अब ATAC पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए फिर से डिफेंस ऑफ इंडिया रूल को लागू किया जाता है, उनके सदस्यों को धीरे धीरे प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, जबकि IFL जो था वो सरकार के समर्थन में था। तीसरा पहलू एक और देखेंगे कि ये वो पीरियड था जिस पीरियड में प्रांतों में पूर्णतः भारतीयों के नियंत्रण में सरकार की स्थापना हो चुकी थी। तो देखेंगे कि इस समय लेबर कमिटीज भी बहुत प्रांतों में बने थे, और ट्राइपार्टाइट सम्मेलन भी 1942 से बुलाया जाने लगा था, मीन्स कि तीनों पक्षों का जो सम्मेलन था वो भी बुलाया जा रहा था। लेकिन यह समय मुख्य रूप से याद किया जाता है ATAC और IFL के लड़ाई के रूप में, ATAC और IFL के बीच के आपसी संघर्ष के रूप में, आपसी प्रतिद्वंदिता के रूप में, जहां पर IFL सरकार का समर्थन कर रही थी, जबकि ATAC मजदूरों के हितों को लेकर आगे बढ़ रहा था।
और ये इनके प्रकार जब हम आज़ादी के दौर तक पहुंचते हैं, अब नेक्स्ट जो फेज था वो था भारत आज़ाद हो जाता है। अब जैसे ही भारत आज़ाद होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज में अगर हम देखेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज में श्रम आंदोलन को हम लोग तीन फेज में बांटकर देखेंगे। हालांकि किसी बुक में आपको इसकी चर्चा नहीं मिलेगी, लेकिन तीन फेज में बांट करके अगर आप इसकी चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक की जस्ट 1947 के बाद, 1947 से लेकर के 1975 तक, जब तक इमरजेंसी नहीं लागू होती है, या दो ही फेज में अगर बांटे, इमरजेंसी वाले को छोड़ भी दें आप, कोई उसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है, बिना मतलब का टाइम भी खाएगा, आप दो फेज में ही केवल बांट के चले, से लेकर के 1990 तक, और दूसरा ध्यान में रखेंगे 1991 के बाद। ये दो महत्वपूर्ण घटना है, एक आजादी का मिलना, कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होना, और दूसरा 1991 जहां से हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ जाते हैं। तो 1947 में जैसे ही हम आजाद होते हैं, आजाद होने के बाद 1950 में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करते हैं, तो 1947 की आज़ादी के बाद से ही डिफरेंट अब क्या होता है कि अब जितने भी पार्टी थे, अब ब्रिटिश हुकूमत नहीं है, भारतीयों का शासन है, तो अब क्या था कि अब राजनीतिक दल अपने आप, क्यों हमने एक सोशल और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था, उसकी दिशा में बढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी की दिशा में बढ़ रहे थे, तो डेमोक्रेसी में कौन सबसे शक्तिशाली होता है, जिसके पास संख्या बल हो। तो अब जितनी भी पार्टियां थी, जो जो पार्टियां अब आगे भारत में सत्ता प्राप्त करने जा रही थी, वो सब पार्टियां चाह रही थी कि कुछ हमारे भी लेबर इंस्टीट्यूशंस हो, हमारे भी ट्रेड यूनियंस हो, उन ट्रेड श्रमिकों के ऊपर हमारा भी प्रभाव हो, और श्रमिकों के ऊपर अपना प्रभाव विकसित करने के लिए अलग अलग यूनियन का निर्माण कर रहे थे। तो जो भी राजनीतिक पार्टी, अब राजनीतिक बात और ज़्यादा समझ में आएगी, उस समय तक तो केवल श्रमिकों के हित की बात, और हम कम्युनिस्ट आंदोलन की बात कर रहे थे, जहां से कांग्रेस के लीडर यहां शामिल होते थे, उनको बुलाया जाता था, वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इससे उनका कुछ लेना देना नहीं था, इस संघर्ष से उनका कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अब 1947 के बाद से अब श्रमिकों पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने अपने समर्थन में श्रमिकों को एकजुट करने के लिए अलग अलग ट्रेड यूनियन का निर्माण करती है, और ये पूरा का पूरा ट्रेड यूनियन जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन से जुड़ता है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जाकर के अपना जुड़ाव महसूस करता है। जैसे ही देश आज़ाद होता है, जो अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन, पहले से गांधी जी के द्वारा गठित किया हुआ, या अनुसुईया बेन के द्वारा जो गठित किया हुआ टेक्सटाइल एसोसिएशन था, वो गुलजारी लाल नंदा के आह्वान पर, बाद में कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी गुलजारी लाल नंदा बनते हैं, उनके आह्वान पर इंटक का गठन किया जाता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह गुलजारी लाल नंदा के द्वारा कांग्रेसी विचारधारा से साम्यता रखने वाले ट्रेड यूनियनिस्ट को एक जगह संगठित करके इंटक का गठन किया जाता है। इंटक आज तक कायम है, और यह कांग्रेस की अनुसंगी संगठन के रूप में काम करती है, कांग्रेस से जुड़े हुए श्रमिकों के संगठन के रूप में इसको देखा जाता है। जब कांग्रेस के द्वारा इंटक को गठन, कांग्रेस से जुड़े हुए लीडरों के द्वारा, कांग्रेस से जुड़े हुए श्रम से जुड़े हुए ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लीडर के द्वारा जब एक अलग ट्रेड यूनियन का फेडरेशन का गठन कर लिया जाता है, तब उसको चुनौती देने वाले भी पार्टी थे। एटक जो है वो एटक पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी से जाकर के जुड़ जाता है, एटक में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग रह जाते हैं। तो दूसरा जो संगठन था
अगर आप लें तो दैट इज एटक, और एटक के जो सदस्य थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए सदस्य थे। अब दो और पार्टी थी उस समय जो सत्ता के लिए जनता के बीच जा रही थी। एक महत्वपूर्ण पार्टी था समाजवादी पार्टी, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में सामने आई थी, जिसके जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब उसके अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, ये ऐसे लोग उसके सदस्य थे। तो अब ये कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लेती है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में सामने आती है। उससे पहले देखेंगे, आजादी से पहले यह कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही थी, लेकिन आजादी के बाद यह एक अलग धरा पर चलती है। यह अपना समाजवादी उद्देश्य को लेकर के एक अलग पार्टी बनाती है। तो जैसे ही एक अलग पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनती है, तो वो भी अपने ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इनके द्वारा जो ट्रेड यूनियन बनाया जाता है, इनके द्वारा ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया जाता है, वो हिंद मजदूर पंचायत के रूप में बनाया जाता है। हिंद मजदूर पंचायत, यही संगठन आगे चल करके इसका नाम बदल के हिंद मजदूर सभा बन जाती है 1948 में। हिंद मजदूर सभा बन जाती है, मींस एटक सभी की मदर संस्था जो है वो एटक ही है। जितने ट्रेड यूनियन के का ट्रेड यूनियन फेडरेशन था, उसकी मदर संस्था एटक ही बनी रहती है। लेकिन एटक से ही सब अलग हो करके अलग अलग, जैसे कांग्रेसी अलग हो करके इंटक बना लेते हैं, सोशलिस्ट अलग हो करके हिंद मजदूर सभा बना लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो स्वतंत्र रूप से केवल ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, वो राजनीतिक प्रतिबद्धता से अलग करके केवल लेबर की समस्याओं को लेकर के बात करते हैं, तो वो लोग यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण करते हैं, जिसको उटक के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण करते हैं, UTUC, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उटक। ये 1949 में ये भी संस्था बन जाती है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के रूप में एक अलग संस्था बना लेते हैं। इसी समय में देखेंगे कि एक और पार्टी थी जो आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आती है। वो उस समय इसकी जो संस्था थी वो जनसंघ थी उस समय। तो जनसंघ के द्वारा 1954 में, इन 1954 एक दत्तोपंत ठेंगड़ी थे, उनके द्वारा भारतीय मजदूर संघ का गठन किया जाता है। भारतीय मजदूर संघ का गठन दत्तोपंत ठेंगड़ी के द्वारा 1954 में किया जाता है। तो अब देखेंगे जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी, वो डिफरेंट राजनीतिक पार्टी अपने अपने विचारधारा से जुड़े हुए श्रमिकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपना 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 ट्रेड यूनियन स्थापित करती है। उससे जुड़े हुए जो भी लोग थे वो उस संघ के ट्रेड यूनियन में शामिल होते हैं। यही तक बात नहीं रुकती है, जब पार्टी में विभाजन होता है तो ट्रेड यूनियन भी विभाजित होने लगता है। जैसे अगर देखेंगे 1964 में जब चाइना भारत इंडो चाइना युद्ध की पृष्ठभूमि में जब कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन होता है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ CPI और CPM में बट जाती है, तो देखिए कि CPM फिर अपना एक अलग ट्रेड यूनियन बनाता है, डेट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, C2। फिर से अगर देखेंगे कि एटक में जो एक अंतिम विभाजन होता है, जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भारत में गठन होता है, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग जो हैं वो
सीटू का गठन कर लेते हैं, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। तो ये दौर जो हम देखते हैं आजादी के बाद का, वो दौर अगर आप देखें तो इस समय ट्रेड यूनियन मूवमेंट राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाना जाने लगता है, प्रत्येक राजनीतिक दल से जुड़े हुए ट्रेड यूनियन सामने आते हैं। अब इस दौर में दोनों चीज उभर करके सामने आता है, ट्रेड यूनियन शक्तिशाली होकर के श्रमिकों की आवाज सरकार के पास पहुंचाते हैं, सरकार पर दबाव समूह प्रेशर ग्रुप बनाने का प्रेशर ग्रुप बनाने का काम भी करते हैं, प्रेशर बनाने का भी काम करते हैं, उनके दबाव में सरकार बहुत सारे श्रम कानूनों को भी पारित करती है। लेकिन श्रम संगठन के अंदर आपसी संघर्ष भी देखने को मिलता है।